अगर अभी तक आपने मिस्टर मीट विथ स्कैरी टीचर इन हॉन्टेड हाउस हॉरर स्टोरी के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना यह वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्कैरी टीचर ब्रिज के ऊपर आ जाती है क्योंकि स्कैरी टीचर को जैसोन से काम रहता है और जैसोन उसी ब्रिज के नीचे रहता है और फिर स्कैरी टीचर ब्रिज के नीचे जैसोन को बुलाने जाने लगती है। लेकिन जैसोन स्कैरी टीचर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि स्कैरी टीचर ने जैसोन की बाइक चुरा ली थी। लेकिन स्कैरी टीचर को मॉन्स्टर और मिस्टर मीट को बचाने के लिए जैसोन की मदद चाहिए, इसलिए स्कैरी टीचर तैर कर जैसोन के पास जाती है और जैसोन से कहती है, जैसोन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन जैसोन स्कैरी टीचर से कहता है, मैं तो खुद ही मुसीबत में हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। और फिर जैसोन ने स्कैरी टीचर को जेफ द किलर को दिखाया जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। जेफ द किलर अपने साइज से 5 गुना बढ़ चुका था, लेकिन स्कैरी टीचर को लगता है जेफ द किलर स्कैरी टीचर की मदद करेगा। और फिर स्कैरी टीचर जैसोन से कहती है, मैं जेफ द किलर के साथ गुल्ली बुल्ली और बाबा को मारने जाऊंगी और मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को छुड़ा के लाऊंगी। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। स्कैरी टीचर जेफ द किलर के साथ गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के चंगुल से मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को छुड़ाने जाने के लिए तैयार हैं और ये लोग थोड़ी ही देर में उधर जाएंगे जिधर गुल्ली बुल्ली और शॉन गए हैं। लेकिन स्कैरी टीचर को अभी तक नहीं पता कि गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को लेकर कहाँ गए हैं। लेकिन अब तो स्कैरी टीचर के साथ इतना बड़ा जेफ द किलर है और स्कैरी टीचर को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर बाबा स्कैरी टीचर को मारने की कोशिश भी करेंगे तो जेफ द किलर बाबा को ही मार डालेगा। क्योंकि जेफ द किलर सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ, इसकी शक्तियाँ भी 5 गुना बढ़ चुकी हैं और अब जेफ द किलर स्कैरी टीचर के साथ मिल चुका है और अब ये दोनों मिलकर मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन के चंगुल से छुड़ाएंगे। लेकिन इन्हें जरा जल्दी करना होगा क्योंकि बाबा मॉन्स्टर और मिस्टर मीट को उस जगह लेकर पहुंचने ही वाले होंगे और अगर ये लोग उससे पहले मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के चंगुल से नहीं छुड़ा पाए तो हो सकता है मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को बाबा मार डाले। लेकिन जेफ द किलर के पास अब इतनी ज्यादा शक्तियाँ हो चुकी हैं कि वो बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक ही वार में मार सकता है। लेकिन जेफ द किलर को उन शक्तियों को यूज करने नहीं आता। थोड़ी देर बाद ये तीनों ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं और जैसोन अपनी बाइक के पास खड़ा हो जाता है। स्कैरी टीचर और जेफ द किलर मिस्टर मीट और हॉन्टेड हाउस के मॉन्स्टर को बचाने जाने लगते हैं। इन्हें जरा जल्दी करना होगा क्योंकि बाबा अब उस जगह पहुंचने ही वाले होंगे। इधर जैसोन को भी जेफ द किलर के बदले में उसकी बाइक मिल चुकी थी और अब जैसोन बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसे उसकी बाइक मिल चुकी है। और स्कैरी टीचर भी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जेफ द किलर मिल चुका है। अभी तक जेफ द किलर जैसोन का गुलाम था, लेकिन बाइक के बदले में जैसोन ने जेफ द किलर को स्कैरी टीचर को सौंप दिया है और अब जेफ द किलर स्कैरी टीचर की हर वो बात मानेगा जो स्कैरी टीचर जेफ द किलर से कहेगी। इधर जैसोन अपनी बाइक पाके बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसे उसकी अपनी सबसे प्यारी बाइक मिल चुकी है और अब जैसोन अपनी ये बाइक लेकर अपने घर चला जाएगा। लेकिन जैसोन ने जेफ द किलर को स्कैरी टीचर को देकर ठीक नहीं किया क्योंकि स्कैरी टीचर जेफ द किलर के शक्तियों का गलत भी इस्तेमाल कर सकती है और जेफ द किलर को अभी तक उसकी शक्तियों को ढंग से इस्तेमाल करने नहीं आया। लेकिन जैसोन को इस बात से बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता कि जेफ द किलर मरे या जिंदा रहे। ये जैसोन का घर है और जैसोन अपने घर में कई महीनों से नहीं आया, लेकिन जैसोन आज अपने घर आने वाला है क्योंकि उसे उसकी बाइक मिल चुकी है और अब जैसोन इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। इसलिए जैसोन अपने बाइक के साथ अपने घर आकर अपने घर में ही रहेगा और आज के बाद से जैसोन कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जैसोन अपनी बाइक से अपने घर के पास आ जाता है और घर के सामने ही बाइक खड़े होकर अपने घर को देखने लगता है क्योंकि जैसोन कई महीनों से अपने घर पे नहीं आया और जैसोन इस घर में अकेले ही रहता है। जैसोन अपनी बाइक से उतर जाता है क्योंकि जैसोन अब अपने घर में जाने वाला है और अब से अपने घर में ही रहने वाला है।
जैसोन अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है और गेट खोलकर घर के अंदर चला जाता है। जैसोन घर के अंदर आकर घर के अंदर ही खड़े होकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जैसोन को अभी भी शक हो रहा है कि कहीं स्कैरी टीचर जेफ द किलर का गलत इस्तेमाल ना करे, जिससे जेफ द किलर की मौत भी हो सकती है। और अचानक से जैसोन की आंखें पीली हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जैसोन की आंखें क्यों पीली हुई हैं? कमेंट में बताएं। ये क्या, ये तो कोई जानी पहचानी डॉल लगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कौन सी डॉल है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताएं कि ये कौन सी डॉल है। आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है। चलो, अभी तक आपको नहीं पता कि ये कौन सी डॉल है तो मैं ही बता देता हूँ, ये स्क्विड गेम की डॉल है। बाबा अपनी ट्रक में गुल्ली बुल्ली मॉन्स्टर और मिस्टर मीट को लेकर उसी डॉल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाबा आखिरकार इस स्क्विड गेम के डॉल से क्या चाहते हैं? कहीं बाबा इसी स्क्विड गेम की डॉल से मॉन्स्टर और मिस्टर मीट को मारने वाले तो नहीं है? और फिर बाबा उसी स्क्विड गेम की डॉल की तरफ देखने लगते हैं। लगता है बाबा इसी स्क्विड गेम की डॉल से मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। ये स्क्विड गेम की डॉल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डॉल है। इधर गुल्ली और बुल्ली को अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं कि इनके पीछे स्क्विड गेम की खतरनाक डॉल खड़ी है और ये डॉल किसी को भी गोली से उड़ा देती है। लेकिन अभी गुल्ली और बुल्ली का ध्यान तो कहीं और है। इधर स्क्विड गेम की डॉल को गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा दिख जाते हैं, लेकिन ये स्क्विड गेम की डॉल गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को पहचानती है, इसलिए ये डॉल उन्हें कुछ नहीं करने वाली। लेकिन इधर मिस्टर मीट बेहोशी का नाटक कर रहा था और अचानक से मिस्टर मीट को स्क्विड गेम की डॉल दिख जाती है। वो डॉल देखकर मिस्टर मीट तुरंत ही पहचान जाता है कि ये स्क्विड गेम की रेड लाइट ग्रीन लाइट की डॉल है और ये डॉल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर मीट तुरंत ही बेहोशी के हालत से उठ जाता है और मिस्टर मीट को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, क्योंकि ये स्क्विड गेम की डॉल इन दोनों को मार देगी। लेकिन अभी मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को ये नहीं पता है कि स्कैरी टीचर जेफ द किलर को लेकर आ रही है, और वो भी कोई छोटा मोटा जेफ द किलर नहीं, जेफ द किलर जिसकी शक्तियाँ 5 गुना बढ़ चुकी है, और वो जेफ द किलर इस स्क्विड गेम की डॉल को एक ही मुक्के में मार कर गिरा सकता है। अरे, ये स्क्विड गेम की डॉल कहाँ गायब हो गई? अभी अभी वो डॉल तो यही थी। बाबा ने उस डॉल को अपने ट्रक के ऊपर रख दिया है और बाबा इस डॉल को कहीं लेकर जा रहे हैं। लगता है बाबा मॉन्स्टर और मिस्टर मीट को ले जाकर स्क्विड गेम का रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला गेम खिलवाने वाले हैं, लेकिन वो गेम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर मीट और मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचने वाले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्कैरी टीचर जेफ द किलर को लेकर सही टाइम पे पहुंच पाएगी, या फिर ये स्क्विड गेम की डॉल मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को मार देगी? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 13। पार्ट 13 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे,